वेलकम टू लर्नर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस पाकिस्तान अफेयर सीएसएस एंड पीएमएस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्नर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बिगनर एज वेल एज रिपीटर। इसमें हम सीएसएस पीएमएस के अलावा एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के और जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज होते हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। और फर्दर डिटेल के एरिया जो है ना, आप रब्ता कर सकते हैं। नाउ डिस्कस इंट्रोडक्शन टुडे। एज यू नो, पाकिस्तान अफेयर इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट। इसके 100 मार्क्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होता है और इसमें एमसीक्यूज होते हैं और इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी होता है। तो इसमें रिकमेंडेड बुक्स एज यूजुअली वैसे तो कोई ख़ास कोई नहीं होती, बिकॉज जो आजकल इन्होंने एफपीएससी और पीपीएससी वालों ने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है, मगर फिर भी जो एक्स प्रोफेसर इकराम रबानी साहब हैं, उनकी पाकिस्तान अफेयर की बुक काफ़ी हद तक अच्छी लगी है। और स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान जो आईएच कुरैशी साहब की है, और एमसीक्यूज या जो पीएमएस में फिलअप्स आते हैं उनके लिए कारवान सीरीज़ और डोगर सीरीज़ की पब्लिकेशन जो है ना, वो बेस्ट हैं। इसके अलावा लर्नर प्लेटफॉर्म में जो है ना, आपको इसके इजी नोट्स जो है ना, वो अफोर्डेबल प्राइस पे भी मिल जाएंगे। तो जो इनके सिलेबस है वो कॉमन सेंस वाला सिलेबस है, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे ओल्ड सिलेबस था। इसमें कोटेशंस, मैप्स, डायग्राम्स, जो टेबल्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत उनकी वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन एक अराइज होता है कि पाकिस्तान अफेयर स्कोरिंग या नॉट स्कोरिंग। लेट्स डिस्कस कि ये स्कोरिंग है या मतलब स्कोरिंग नहीं है। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट प्री पार्टीशन क्वेश्चन एंड सेकंड पोस्ट पार्टीशन क्वेश्चन। जो हिस्टोरिकली जब हम पाकिस्तान अफेयर को देखते हैं, जो पाकिस्तान जब से इसकी पार्टीशन हुई है, जब से इसकी इंसेप्शन हुई है, उससे पहले मीन बिफोर इट्स इंसेप्शन, वो जितने भी क्वेश्चन हैं वो लेस अकॉर्डिंग होते हैं और लेस इनोवेटिव होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखें, लेस अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि अब हम हिस्ट्री के डेट्स, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स, पर्सनैलिटीज़, उनकी पब्लिकेशंस, उनके एफर्ट्स, उनका रोल्स, जैसे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ पे, तो वो याद करना, उनको खासा स्टूडेंट रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसी रट्टे वाली सीएसएस और पीएमएस में कोई गुंजाइश नहीं है। तो सेकेंडली, पोस्ट पार्टीशन क्वेश्चन जो होते हैं आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो जनरल से क्वेश्चन होते हैं, लेट सपोज डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स आ गए, इनिशियल प्रॉब्लम्स आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस आ गया, फॉल ऑफ ढाका हो गया, उसके बाद ये मिलिट्री इंटरवेंशन मीन सिविल मिलिट्री रिलेशंस, ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, उसके बाद फिर पॉलिटिकल जो है ना कंपल्शन 90s में, उसके बाद फिर 9/11, उसके बाद पोस्ट पेंडेमिक एरा। तो ये मोर स्कोरिंग होते हैं एज़ कंपेयर हिस्टोरिकल क्वेश्चन के, और ये मोर इनोवेटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें आप स्कोरिंग अच्छा ले सकते हैं बिकॉज यू हैव अ नॉलेज अबाउट करंट एज वेल एज रीसेंट डिवेलपमेंट्स। आप इनको रीसेंट डिवेलपमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज जैसे पोस्ट पार्टीशन के में क्वेश्चन आता है एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, तो ये आप करंट का है, आप इसको बेशक
पोस्ट पार्टीशन के हवाले से यूज़ करें, जब पाकिस्तान में फर्स्ट डैम की इंसेप्शन हुई थी आप वहाँ से यूज़ करें। आप इनको जो वो 5 ईयर प्लान थे वहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। ऐसे ही वाटर क्राइसिस हो गया, सिविल मिलिट्री जो है ना रिलेशंस हो गए, ठीक है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ट्रायंगल हो गया। अब इन क्वेश्चन को जब देखते हैं हम, तो ये पोस्ट पार्टीशन क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस अगर इसमें यूज़ करें तो इसमें हमें एक तो मटेरियल अच्छा मिल जाता है, दूसरी बात यह है कि ये रिवीजन हो जाती है, और थर्ड बात यह है कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ऐसे और दूसरे भी जो है ना कुछ सब्जेक्ट के साथ जो है ना ये ओवरलैप करते हैं। तो इनकी जो है ना ये टू टाइप्स हैं, प्री पार्टीशन लेस स्कोरिंग होता है, जबकि पोस्ट पार्टीशन वो मोर स्कोरिंग होता है। तो अब PMS वर्सेस CSS का थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखें, PMS और CSS दोनों 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। PMS में सब्जेक्ट सब्जेक्टिव टाइप जो होता है, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, वो 80 मार्क्स के होते हैं, और प्लस उनके ऑब्जेक्टिव जो है ना वो फिलअप्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, सॉरी MCQs नहीं होते, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं फिलअप्स वो 20 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें टाइम कलेक्टिवली 3 आवर्स होता है, बट टिपिकल एक प्रॉब्लम है, ये जो फिलअप्स होते हैं ये एक सेंटेंस दिया होता है उसी में, एज यूजल आपने देखा होगा पेपर, उसी में इनकी रिवायत है, उसी में एक सेंटेंस में वो 2 फिलअप्स देते हैं और 2 नंबर्स के होते हैं। अगर CSS को देखें तो उसमें सब्जेक्टिव 80 मार्क्स का होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव जो है ना MCQs होते हैं, जबकि PMS में फिलअप्स थे। तो CSS में MCQs होते हैं 20 मार्क्स के, बट टिपिकल सी थोड़ी सी है इसमें जो है ना चेंजेस है। टाइम इसका 30 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, जो कि 20 मार्क्स का होता है MCQs, और 2.30 मिनट जो है ना 2 घंटे और 30 मिनट ये रिमेनिंग पेपर के लिए फॉर 80 मार्क्स सब्जेक्टिव के होते हैं। तो अब इसका सिलेबस जो है ना वो टिपिकल, इसमें डिफरेंट डिफरेंस है, बहुत सारा जो है ना हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट CSS और PMS में सेम है, बट PMS में हिस्टोरिकल इवेंट्स ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर CSS में। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना ये डिस्कस करेंगे कि इनका सिलेबस का क्या डिफरेंस है, और कौन कौन से जो है ना उनके पोर्शन ज़्यादा ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करने चाहिए, और कौन से स्टूडेंट्स को छोड़ देने चाहिए। छोड़ने वाली बात मैंने इसलिए की है कि कुछ चीज़ें होती हैं उनके उन पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उन पे आप फोकस कम करते हैं। फोकस कम से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल जो है ना वो आप लीव आउट हो जाएं, इसका मतलब यह है कि आप CSS और PMS के पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट से लीव आउट हो रहे हैं। चलें, थैंक यू, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।